अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैं लेके आई हूँ टॉपिक, टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, सेल्फ ग्रूमिंग, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को, अपने आप की केयर करना। सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस्लाम भी हमें निस्फ़ ईमान का दर्स देता है, तो इसलिए हमें अपने आप की केयर करनी चाहिए। सेल्फ़ ग्रूमिंग के बारे में आपको मैं एक बात बता दूँ, सेल्फ़ ग्रूमिंग का मतलब है कि अपने आप को मेंटेन करना और अपनी बॉडी पार्ट्स की केयर करना। तो इसलिए आज के टाइटल से आप समझ गए होंगे सेल्फ़ ग्रूमिंग के ऊपर है। इसमें मैं आपको 10 टिप्स दूंगी और आप लोग घर बैठ के बड़े आराम से ये टिप्स फॉलो करके अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ्स हैं, ज़रूरी नहीं कि शादी हो गई है, कहानी ख़त्म। अगर आप हाउसवाइफ हैं, बच्चों को देखती हैं, तो आप अपने आप का भी ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगी तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगी, अपनी केयर करेंगी तो आप दूसरों की केयर कर सकेंगी। अपने आप सबसे पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंट दें। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है। इसलिए मैं जो आपको टिप्स बताऊँगी वो घर बैठ के आप ईजीली उनको फॉलो करके अपने आप को खूबसूरत सा बना सकती हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले नंबर, टिप नंबर वन आ जाता है जी, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेस को क्लीन करना। क्लींजर आप यूज़ करें, बहुत अच्छे क्लींजर मार्केट में आ गए हैं जो आपके बजट में आ जाते हैं। अपने बजट में रहते हुए आप कोई अच्छा सा क्लींजर यूज़ करें और अपने फेस को क्लीन करें। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर आ जाता है मॉइस्चराइज, अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करें, ठीक है। अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करें, अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र का यूज़ लाजमी रखें। इसे आ जाता है सनस्क्रीन तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं, अगर आप बाहर नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप घर के अंदर भी हैं, तो आपने उसको लाजमी अपनी लाइफ में रखना है। सनस्क्रीन जो है वो आपको बड़ी ऐसी रेडिएशन से बचाता है जो कि आपकी स्किन के ऊपर अटैक करते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, सन टैन पड़ जाते हैं। इसके लिए आपको सनस्क्रीन जो है वो मस्ट है, आपने सनस्क्रीन का यूज़ लाजमी करना है। बहुत अच्छे ब्रांड के सनस्क्रीन आ गए, आप कोई भी अपने बजट में रहते हुए सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। अब जो आ जाता है वो आ जाता है बॉडी वॉश, आपने बॉडी वॉश का यूज़ लाजमी रखना है, आपने सोप का यूज़ नहीं करना है। आपने डेली बेस पे बाथ को लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करना है। जो मौसम चल रहा है उसमें आपको घर से बाहर ना भी जाना हो तो आपने बाथ को डेली लेना है, ठीक है। इसलिए आपने बॉडी वॉश को अपनी रूटीन में रखना है। बॉडी वॉश बहुत अच्छे आ गए हैं मार्केट में, लक्स का जो है वो बजट फ्रेंडली है, वो यूज़ करें। अच्छा जी, इसके अलावा जो आ जाती है टिप वो आ जाती है डिओड्रेंट। आजकल आपको पता है कितना ज़्यादा पसीना आता है, आपकी अंडर आर्म्स में स्मेल होती है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है, तो इसलिए आपने डिओड्रेंट का इस्तेमाल लाजमी करना है। मैं स्क्रीन पे आगे आपको अटैच कर दूँगी, बड़े अच्छे डिओड्रेंट हैं कंपनीज़ के जो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्प्रे फॉर्म में भी आ जाते हैं और कुछ जो हैं वो जेल फॉर्म में भी होते हैं। आप कोई भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप डिओड्रेंट का यूज़ करें। अच्छा, डिओड्रेंट के यूज़ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, इवन कि आप अपने हस्बैंड से भी बात कर रहे हो, तो इससे स्मेल नहीं आती है, इससे कॉन्फिडेंस डिवेलप होता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। इन केस आपके पास डिओड्रेंट नहीं है तो नो वरीज़, आप फटकरी का यूज़ कर लें। बात लेने के बाद फटकरी का छोटा सा पीस लें, उसको आपने अपने अंडर आर्म्स में रब करना है या उसका जो वाटर है उसे अपने अंडर आर्म्स को वॉश कर लें, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। इससे भी स्मेल नहीं फैलती, अंडर आर्म्स जो है वो उसमें से स्मेल नहीं आती है, तो इसलिए आपने डिओड्रेंट या फटकरी का यूज़ लाजमी रखना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने आप को छोड़े मत, अपने आप को कॉन्फिडेंस दें, अपने आप को मेंटेन रखें। डेली बेसिस पे लाइट सा मेकअप करें, चीक्स पे लिप्स पे लाइट सा टिंट का यूज़ रखें और आप अपनी डेली रूटीन में लाइट सा मेकअप भी कर लिया करें ताकि आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगे। अगर जो टीनेजर गर्ल्स हैं वो अपने आप को भी इस तरह ग्रूम कर सकते हैं, वो लाइट सा टिंट यूज़ कर लें अपने चिन पे, अपने लिप्स पे, ताकि उनको भी अपना आप अच्छा फील हो। तो आप अपनी डेली रूटीन में ये लाजमी यूज़ करें ताकि से आपको अपने आप से प्यार हो और आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करने का हो कि हमने अपने आप की केयर करें। और मिस्ट का यूज़ लाजमी रखें, आजकल गर्मियां हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से स्मेल आ जाती है, तो इसके लिए आप अपने हैंडबैग में भी ये चीज़ें रखें और अपने अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी ये चीज़ें लाजमी रखें ताकि आप ये चीज़ें यूज़ करने से आपको अच्छा फील हो। अच्छे ब्रांड का परफ्यूम बाय करें, मिस्ट बाय करें, ताकि उसकी खुशबू से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा फील हो।
ड्रेसिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो देखने वाला कहेगा वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी लग रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़ों की ड्रेसिंग करें ताकि आपको अच्छा फील हो, अपना आप अच्छा। इसके बाद आ जाता है वैक्सिंग। आपने अपने फेस के पार्ट्स जो आईब्रोज हैं, अपर लिप्स हैं, उनको लाजमी क्लीन करना है। अपने फेस पे ज़्यादा ज़्यादा मूछें नहीं आने देनी है। आपने यहाँ पे फिंगर वैक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल ट्विंकल रेजर आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अपने इन एरियाज़ को वैक्स करके रखा करें, अपने अपर लिप्स को वैक्स किया करें। तो ये लाजमी है कि आप अपने पार्ट्स को, फेस के पार्ट्स को भी लाजमी वैक्स किया करें, या ट्विंकल रेजर जो आते हैं उनके साथ आप शेविंग भी कर सकती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ टिप्स हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छी अच्छी वीडियोज़ दूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।